हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें ये पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट में हमें ये बताया गया है कि एक स्टूडेंट को हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में और साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इस पाई चार्ट में हमें इस स्टूडेंट के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल्स दिए गए हैं। जैसे मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 55 डिग्री, हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री और सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि ये मार्क्स नहीं है बल्कि सेंट्रल एंगल्स हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है कि इस स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स मिले हैं उनका सम 540 है, यानी कि इस स्टूडेंट को टोटल 540 मार्क्स मिले हैं। अब इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, यानी कि हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब हम 1 by 1 इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यानी कि इस स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स मिले हैं। अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हैं, यानी कि हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट को 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। सेकेंड कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 55 डिग्री, हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री और मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। अब हम इन सभी सेंट्रल एंगल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो थर्ड कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे इन फ्रैक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहला सेंट्रल एंगल है 55 डिग्री। 55 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी सेंट्रल एंगल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप उस सेंट्रल एंगल को डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से। अब हम 55 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से। अब देखिए स्टूडेंट्स, 55 और 360 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए, 5 1 जा 5, ये 5 बचा, 5 1 जा 5। अब यहां पर देखिए, 5 7 जा 35, 36 में से 35 गया, 1 बचा, 1 and 0 10, 5 2 जा 10। तो जब हमने 55 को डिवाइड किया 360 से तो हमें मिला 11/72। तो यहां पर हम लिखेंगे 11/72। तो इस तरह से हमने इस सेंट्रल एंगल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम 70 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे 70 degree upon 360 degree। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 7/36 और 7/36 को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसी भी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/36। तो जब हमने 70 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 7/36। अब हम 80 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 डिग्री/360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा 8/36। 8/36 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए 4 2 जा 8 और यहाँ पर देखिए 4 9 जा 36। अब यहाँ पर हमें मिला 2/9 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9। तो जब हमने 80 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 2/9। अब हम 65 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 डिग्री/360 डिग्री। अब हम 65 को डिवाइड करेंगे 360 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 and 5 15, 5 3 जा 15। अब यहां पर देखिए 5 7 जा 35, 36 में से 35 गया 1 बचा, 1 and 0 10, 5 2 जा 10। तो जब हमने 65 को डिवाइड किया 360 से तो हमें मिला 13/72। तो यहां पर हम लिखेंगे 13/72। अब हम 90 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री/360 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब यहां पर बचा 9/36। 9/36 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में भी आते हैं और 9 की टेबल में भी आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 9 से काटेंगे। अब देखिए 9 1 जा 9 और यहां पर देखिए 9 4 जा 36। तो यहां पर हमें मिला 1/4 तो यहां पर हम लिखेंगे 1/4। तो इस तरह से हमने इन सभी सेंट्रल एंगल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इन सभी फ्रैक्शंस को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्थ कॉलम में यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब सबसे पहले हम 11/72 को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे 11/72 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्क्स के साथ यानी के 540 के साथ। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है स्टूडेंट्स कि इस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में 540 मार्क्स आए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 72 और 540 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए 6 1 जा 6, 7 में से 6 किया 1 बचा, 1 and 2 12, 6 2 जा 12। अब यहां पर देखिए 6 9 जा 54, ये जीरो बचा, ये जीरो यहां पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 90 और 12 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए 6 2 जा 12 और यहां पर देखिए 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 and 0 30, 6 5 जा 30। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 15 को आपस में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ न्यूमरेटर में 11 है और यहाँ न्यूमरेटर में 15 है। अब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और जब आप 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आपको मिलेगा 165। अपॉन में ये 2 है तो अपॉन में ये 2 आ जाएगा। अब हम 165 को डिवाइड करेंगे 2 से,
28 जा 16 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 16। 16 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। यहां पर ये 5 है तो ये 5 हम यहां पर लिखेंगे। 2 2 जा 4 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब ये 1 इस 2 से छोटा है, तो यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये 10 बन गया है। 2 5 जा 10 होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 0। तो यहां पर हमें आंसर मिला है 82.5। तो यहां पर हम लिखेंगे 82.5, यानी कि इस स्टूडेंट को इंग्लिश में 82.5 मार्क्स मिले हैं। अब हम 7/36 को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे 7/36 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्क्स के साथ, यानी कि 540 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 36 और 540 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए, 6 6 जा 36 और यहां पर देखिए 6 9 जा 54, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 90 और 6 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से काटेंगे। अब देखिए, 6 1 जा 6 और यहां पर देखिए 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 एंड 0 30, 6 5 जा 30। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, और जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आपको मिलेगा 105। तो यहां पर हम लिखेंगे 105, यानी कि इस स्टूडेंट को हिंदी में 105 मार्क्स मिले हैं। अब हम 2/9 को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2/9 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 540 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 540 और 9 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में भी आते हैं और 9 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 9 से काटेंगे। अब देखिए, 9 1 जा 9 और यहां पर देखिए 9 6 जा 54, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आपको मिलेगा 120। तो यहां पर हम लिखेंगे 120, यानी कि इस स्टूडेंट को साइंस में 120 मार्क्स मिले हैं। अब हम 13/72 को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 13/72 और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 540 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 540 और 72 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं, 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, 6 की टेबल में भी आते हैं और 9 की टेबल में भी आते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 9 से काटेंगे। अब देखिए, 9 8 जा 72 और यहां पर देखिए 9 6 जा 54, ये 0 बचा, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 60 और 8 को भी आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब देखिए, 4 2 जा 8 और यहां पर देखिए 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20। अब 15 और 2 को आपस में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, और जब आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आपको मिलेगा 195।
अपॉन में यहाँ पर 2 है तो यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा। अब हम 195 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 जा 18 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। 19 में से 18 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, ये 5 हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 7 जा 14 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1। अब ये 1 इस 2 से छोटा है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 आएगा। 2 5 जा 10 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला है 97.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 97.5, यानी कि इस स्टूडेंट को सोशल साइंस में 97.5 मार्क्स मिले हैं। अब हम 1/4 को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 540 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 540 और 4 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप इन दोनों नंबर्स को 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को 4 से काटेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 4 1 जा 4 और यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 and 4 14। 4 3 जा 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 and 0 20, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमें मिला 135। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135, यानी कि इस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया था कि इस स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में इस स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे हिंदी। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यानी कि हमें ये बताना है कि इस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी इज इक्वल टू मार्क्स इन मैथमेटिक्स माइनस मार्क्स इन हिंदी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप मैथमेटिक्स के मार्क्स में से माइनस कर देते हैं हिंदी के मार्क्स को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं। मार्क्स इन मैथमेटिक्स की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 135, क्योंकि मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स हैं। ये माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज आएगा। मार्क्स इन हिंदी की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 105, क्योंकि हिंदी में 105 मार्क्स हैं। और जब आप 135 में से माइनस करेंगे 105 को तो आपको मिलेगा 30, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30। यानी कि इस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। यानी कि हमें ये बताना है कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से। यानी कि हम सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और उसके बाद हम साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज्यादा है या नहीं। तो पहले हम सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 97.5 प्लस 135। क्योंकि सोशल साइंस में मार्क्स हैं 97.5 और मैथमेटिक्स में मार्क्स है 135।
अब हम 97.5 और 135 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, 7 प्लस 5 12 होता है, 12 का 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 1 प्लस 9 10 होता है, 10 प्लस 3 13 होता है, 13 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो जब हमने 97.5 को और 135 को ऐड किया तो हमें मिला 232.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 232.5। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम है 232.5। अब हम साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ द मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू 120 प्लस 105। क्योंकि साइंस में 120 मार्क्स हैं और हिंदी में 105 मार्क्स हैं। अब हम 120 और 105 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 225। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225। तो साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम हमें मिल गया है 225। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 232.5 ज्यादा है 225 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। यानी के सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।